आज हम देखियो डेफिनेट इंटीग्रेशन फास्ट एक्स जी डेफिनेट इंटीग्रेशन रोटा रोज 9J लास्ट वीडियो रे हम कंप्लीट करथले क्वेश्चन नंबर 4 ओके एटा बर्तन जो क्वेश्चन नंबर 5 फास्ट बिट ओके dx / 3x + 2 तापर मु तुम ओटा इन्स कहल जंजी कोन ना dx डिवाइडेड बाय x माने dx डिवाइडेड बाय x रो इंटीग्रेशन हेला ln x + c जोटा तुम dx / x रो मीनिंग भी एया कौन ना 1 by x into dx जोटा तुम स्पेशली प्राय तो गोटे रॉन्ग कांसेप्ट ऑन माइंड रह जाए कौन ना मुइल को भी 3 by x ओके 3 by x इंटीग्रेशन तो हमें सब बोले कौन ना हम माइंड रे कौन रह जाए प्राय तो मैक्सिमम 90% माइंड और जे 3 एटी जो हम कांस्टेंट नोचे एटी सर x रह जो दिस इज रॉन्ग ओके आउट कथा गोटे सपोज मुझे कहली एक्स बै थ्री डीएक्स कमन नहीं देखे गोटे कन्स्टाट कौन आसो आम जानी कन्स्टाट गोटे कमन अच्छी ओके नो जे आम कन्स्टाट कमन अच्छी मल्टीप्लाइंग कन्स्टाट इंटीग्रेसन कमन आसपार बाहर को दे कैन इंटीग्रेट द फंक्शन तो मल्टीप्लाइंग कन्स्टाट मुझे कह कन्स्टाट कमन आने तो माइंड फास्ट आम गोटे थिंकिंग पलैस कौन ना सर एक्स बै थ्री रोज थ्री इज द कन्स्टाट ओके एंड सर एक्स होची इंटीग्रेशन एटा भी रॉन्ग कहीं ना एक्चुअली एक्स बाय थ्री रो मीनिंग टा कौन ना एक्स इनटू वन बाय थ्री तमन जदि मल्टीप्लाइंग कांस्टेंट कथा कहला त से कांस्टेंट की ना 1 बाय 3 तो यदि तुम 1 बाय 3 कॉमन ले जो त रहबो कोन इंटीग्रेशन डीएक्स एक्स डीएक्स जणो तुम 1 बाय 3 एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस सी लिखिरो एक्स स्क्वायर बाय 6 प्लस सी ओके किंतु एटा जो 3 बाय एक्स डीएक्स बाय एक्स एटा काई लिखि लिखि बर्तमान एटी हम जो इंटीग्रेशन पुट करू छे dx / 3x + 2 माने 3x + 2 जो तळे लिखा है छी एटा को 1 / 3x + 2 कर दे परबा ओके इंटीग्रेशन 0 टू 1 लिमिट कर देला एटा को फंक्शन रे इंटीग्रेशन कर दे छी ना ओटे रैशनल फंक्शन माने केमदि माने रैशनल फॉर्म p / q फॉर्म रे ओटे फंक्शन हो छी ओटा 1 / 3x + 2 तार इंटीग्रेशन कर दे छी आउ स्पेशली ऊपर कांस्टेंट अछि 1 किसी भी फैक्टर नाई वेरिएबल रो न्यूमरेटर रे डिनोमिनेटर हम लोग 3x + 2 अछि ओके डिनोमिनेटर रे जो 3x + 2 रहला हम देखले 3x + 2 रो लीनियर फॉर्म ये सो नो 3x + 2 रो लीनियर फॉर्म x टा लो लीनियर फॉर्म तो 1 / x dx हमर सर ln x + c हे पर जी ओके ln x + c हे पर जी त सर हमर एठी 1 / 3x + 2 रो इंटीग्रेशन भी ln 3x + 2 लिखाय दिरो एटा को केसेस रे ना जदी तमे गोटे रैशनल फंक्शन को इंटीग्रेशन करिया पई जाउछ ऊपर ए कांस्टेंट अछि वेरिएबल रो चांस नाही डिनोमिनेटर रे वेरिएबल इन्वॉल्व अछि एंड वेरिएबल लीनियर फॉर्म अछि देन यू कैन पुट 1 / 3x + 2 आज ln 3x + 2 किंतु एडी त मो गोटे सब्स्टिट्यूशन रो ओ टू स्टेप ओमिट कर दे छी कोन ना सब्स्टिट्यूशन त मे बिना सब्स्टिट्यूशन डायरेक्टली फार्मूला पकि देबो कोन ते यदि 1 / 3x + 2 त ln 3x + 2 लिखु छ त एडी देखियो लक्ष्य करबो कोन ना लीनियर फंक्शन रे वेरिएबल x रो कोफिशिएंट ता कोन 3 आंसर त ln 3x + 2 लिखिलो त एडी आंसर कोन जों सर 1 / 3 ओटा मल्टीप्लाई करियो आंसर एठी हम किछ मल्टीप्लाई करथि नो कहीं ना 1 / x डायरेक्ट डिफरेंशियल dx होची मोन कहबी 1 / y dy आंसर कोन हो ना ln y dy ln y + c ओके मोन कहबी 1 / 3x d 3x कोन ना सही ln 3x + c देख तो एक्चुअली माने डिफरेंशियल यदि सेम वेरिएबल जहा रहउची डिनोमिनेटर रे यदि पर्टिकुलर सेम रहियो त आंसर ln 3 माने किछ भी कांस्टेंट हमकु जेंदि 1 / 3 करे मल्टीप्लाई होले एठी कले सेठी हम एठी हम किछ करियो पडुनी यदि एठी हम कर दिसन कोन ना ए ए क्वेश्चन डा ए क्वेश्चन ए पार्ट क्वेश्चन डा हम आउ त देखु तुमको त यदि 1 / 3 x + 2 कर दवा आ एठी d ऑफ 3 x + 2 लिखवा त यार इंटीग्रेशन डायरेक्टली ln 3 x + 2 प्लस सी लिखियो ओके याकु आ 1 / 3 मल्टीप्लाई करे दरकार नै जेम देखि मल्टीप्लाई करू काहे ना एटे जो वेरिएबल टा डिनोमिनेटर रहिबो पर्टिकुलर तार डिफरेंशियल जदि रहिला ताहले आउ किछि कांस्टेंट वेरिएबल रे कोन कोफिशिएंट मल्टीप्लाई हेछि सेटा हम चेक करिया दरकार नै कि हमे एटे कोफिशिएंट को 1 / करि डिवाइड करि मल्टीप्लाई करि आवश्यक नै बुझिले त तेनु जेतु एटे डिफरेंशियल x रो dx माने कोन x डिफरेंशियल और ये 3x + 2
वेरिएबल पार्ट मतलब लिनियर फंक्शन पार्ट मैंने जो फंक्शन डिनोमिनेटर डिवाइड है तार डिफरेंशियल जब अच्छी आम किसी वेरिएबल रो कोफिशिएंट कौन अच्छी चेक करें आवश्यक ना कि डिवाइड करें आवश्यक ना मल्टीप्लाई करें आवश्यक ना कोफिशिएंट आंसर रे तेन 1 बाय 3x प्लस 2 को हम डायरेक्टली ln 3x प्लस 2 लिख दे तो dx हो जो डिफरेंशियल और ax रो कोफिशिएंट जो 3 रो छि तेन 1 बाय 3 टा आंसर रे मल्टीप्लाई है तो कहबे सर आउर क्वेश्चन सर हम जो देबे 1 बाय x माइनस 1 इंटीग्रेशन कोन आंसर तो सर डायरेक्ट ln x माइनस 1 करंतु प्लस c कर दो सर ये एक्स रो कोफिशिएंट अछि सेटा डिवाइड होबो नी कि एक्स रो कोफिशिएंट 1 अछि 1 जों डिवाइड करे 1 बाय 1 ना तले केता होसे 1 ही हो आंसर से 1 ही रहो तला आंसर केतना ln x माइनस 1 प्लस c क्लियर बुझि गेले अच्छा तो एटु जे हम आंसर 1 बाय 3 ln 3x प्लस 2 होछ आंसर यार डेफिनेट इंटीग्रेशन होछ 0 लोअर लिमिट अपर लिमिट होछ 1 तना बेट पुट कर दे 0 एंड 1 डायरेक्टली फर्स्ट अपर लिमिट पुट कर देन लोअर लिमिट ओके एक्स प्लेस रे अपर लिमिट एलिमेंट पुट पुट होची ना एक्स प्लेस रे वेरिएबल प्लेस रे अपर लिमिट फास्ट पुट करियो टोटल फंक्शन लिखलो माइनस फोन माइनस लिख साला पर लोअर लिमिट पुट करियो वेरिएबल प्लेस रे पुनी आथ लिखियो ओके 1 बाय 3 ln 3 इनटू 1 प्लस 2 ओके माइनस 1 बाय 3 ln 3 इनटू 0 प्लस 2 ओके दिस पार्ट है सेटा सेपरेट कर दे तले केते इलाटा 1 बाय 3 ln 3 प्लस 2 ला 5 माइनस 1 बाय 3 ln 3 इनटू 0 0 एला 0 प्लस 2 केते 2 1 बाय 3 जदि हम कॉमन आन छै लेटर ln 5 माइनस ln 2 हम जान छोटा फार्मूला ln a माइनस ln b जे दीटा लगा दिन अलग अलग माइनस ए की होई फार्मूला चेक कर देखो फार्मूला होची कोन राइट लिख दो ln a माइनस ln b दैट इज इक्वल टू ln a बाय b ओके दीटा लगा दिन फंक्शन जदी माइनस ए की होसी तो यू कैन राइट एज 1 लगा दिन फंक्शन गोटी लगा दिन फंक्शन लिखियो दीटा फंक्शन को डिवाइड कर दो फर्स्ट फंक्शन रेला ऊपर दिन सेकंड फंक्शन रे ऊपर ओके ln a बाय b तो एटा को 1 बाय मैंने एटा एगला हमर 1 बाय 3 कांस्टेंट कॉमन ले लेले एटा हमें 1 बाय 3 कांस्टेंट कॉमन ले गेला पर 1 बाय 3 एटा लिख पर हमें ln 5 बाय 2 ओके एटी कांस्टेंट यूज करियो कांस्टेंट यूज कर प्रॉब्लम कांस्टेंट यूज कर डेफिनेट इंटीग्रेशन रे कांस्टेंट रहेनी एक्चुअली कांस्टेंट माइनस हो जाए जे जे कांस्टेंट ही आसीबो इंटीग्रेशन रे कांस्टेंट माइनस है कि कैंसिल हो जाए केमिन कैंसिल सेटा मु लास्ट वीडियो रे कहिसि ओके नेक्स्ट देखियो हम डबल बिट फंक्शन डबल है नेक्स्ट देखियो नेक्स्ट क्वेश्चन dx / x² + 9 होल रूट ओवर ओके 0 टू 4 सेटा हम लिख परिया कोना dx डिवाइडेड बाय x² + 9 इज 3 रो स्क्वायर होल रूट ओवर लिमिट इज 0 टू 4 ओके फार्मूला हम लिखि बोली को वेडी एंड एज कंपेयर टू दिस यू हैव टू पुट दिस फार्मूला dx डिवाइडेड बाय x² + a² रूट ओवर एटा जत लिखु जो देखला बेले माइंड रे थिंकिंग रे देखा छै कोन dx बाय एटा माने दैट मींस आल्सो ए टाइप रो माने एमिति भी लिखाई परबो ओके एमिति भी लिखाई परबो तो फार्मूला आइला कोन हमर ना ln x प्लस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर रूट ओवर होल मोड प्लस c तो एटा कोन होइछला ln x प्लस x स्क्वायर प्लस 9 रूट ओवर होल मोड प्लस c c का यूज करना है डेफिनेट इंटीग्रेशन पे ओके आई काट दो छे लोअर लिमिट इज 0 अपर लिमिट इज 4 तो ये मेट पुट करबा फर्स्ट अपर लिमिट पुट करबा एटा जो ln अपर लिमिट पुट करले दे जो x प्लस रे 4 प्लस x प्लस रे 4 स्क्वायर प्लस 9 होल रूट ओवर होल मोड माइनस फर्स्ट तब 0 पुट करबा ओके माइनस ln 0 प्लस 0 प्लस 9 रो होल रूट ओवर होल मोड एटा हो गेला ln 4 प्लस 4 स्क्वायर 16 16 प्लस 9 25 25 रूट ओवर 5 5 प्लस 4 9 ओके माइनस ln 0 हो गेला एटा 0 प्लस 9 0 प्लस 9 इज 9 9 रूट ओवर केता होला 3 ln 3 तो ln a माइनस ln b ए लास्ट क्वेश्चन रे कहितला मे ln a माइनस ln b दीटा लगा दिन माइनस एक रोज माने गोटी लगा दिन लिख दवा दीटा फंक्शन डिवाइड कर दवा तो केते ln 3 प्लस c ओके दिस इज ln 3 प्लस c इज द आंसर से c रहिबो नाही दिस इज नॉट द c ओके c रहबो वेरी एक्चुअली डिफरेंट इंटीग्रेशन ना c रहबो नी तना हम डिफरेंट इंटीग्रेशन रे कांस्टेंट c रे यूज करबे नी तना तुम c एको तले बाबा रे लिखि बेले लिखि देतिबो तुम लिखियो नी एक्चुअली
ठीक है कौन डेफिनेट इंटरेक्शन केबे भी सी रहबो फर्स्ट वन नो सी रखिबो जदी त आंसर भूले जबो हाफ मार्क कटेड कैंसिल ओके डिफरेंट इंटरेक्शन मस्ट नॉट यू कंटेन द सी ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखियो हमें ते 5 नंबर ट्रिपल आई ओके dx डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 2 रो होल रूट ओवर जेटा हमें dx डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस रूट 2 रो होल स्क्वायर लिख परबा x स्क्वायर माइनस रूट 2 रो स्क्वायर का dx डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर रूट ओवर जदी हम फार्मूला चेक करबा तो एटा ln x प्लस x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर रूट ओवर प्लस c माने जो वेरिएबल अच्छा ना लिख परबा ln x प्लस x स्क्वायर माइनस 2 होल रूट ओवर होल मोड लिमिट इज 2 टू 3 लॉयल अपर लिमिट जो पुट करके देइयो ln 3 प्लस 3 स्क्वायर माइनस 2 रूट ओवर ओके माइनस ln लॉयल लिमिट पुट करियो 2 प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2 होल रूट ओवर होल मोड ओके अच्छा ये कितने हो जी ln 3 प्लस 9 माइनस 2 इट इज 7 3 प्लस रूट 7 दैट इज ln 3 प्लस रूट 7 ln 3 प्लस रूट 7 ओके 9 माइनस 2 दैट इज रूट 7 माइनस ln 2 प्लस 2 स्क्वायर इज 4 4 माइनस 2 2 2 रूट ओवर इज रूट 2 2 प्लस रूट 2 ln 2 प्लस रूट 2 दिस इज ln 2 प्लस रूट 2 ln a माइनस ln b अगेन मु तो आउट रिपीट करछ ln a माइनस ln b को हमें ln a माइनस ln b को कौन लिखते हैं ln a बाय b दैट इज 3 प्लस रूट 7 डिवाइडेड बाय a डिवाइडेड बाय b 2 प्लस रूट 2 दिस वैल्यू ओके ln 3 प्लस रूट 7 डिवाइडेड बाय 2 प्लस रूट 2 नेक्स्ट बिट देखियो लास्ट ऑप्शन 5 नंबर x स्क्वायर प्लस 9 रो होल रूट ओवर dx x स्क्वायर प्लस 9 माने हमें तो जो वेरिएबल पार्ट रो स्क्वायर x रो स्क्वायर कांस्टेंट 9 इज द 3 रो स्क्वायर देखो जब हम रूट ओवर भीतर है बट वेरिएबल पार्ट अछि 4 स्क्वायर इज x रो स्क्वायर बट कांस्टेंट पार्ट अछि 4 को 3 रो स्क्वायर अपर लिमिट लोअर लिमिट इज द अपर लिमिट इज 4 लोअर लिमिट इज 0 अपर लिमिट लोअर लिमिट का क्वेश्चन अगर को फॉर्मेट रे अछि मैच करे यदि हमें देखबा x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रूट ओवर dx ओके जब तुम में बुक थिबो 9e एक्सरसाइज रो 9e एक्सरसाइज रो ऊपर तीनटा फार्मूला आसी चेक करो बहुत इंपोर्टेंट फार्मूला तीनटा को x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर रूट ओवर dx x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर रूट ओवर dx अनदर इज a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर रूट ओवर dx तीनटा फार्मूला बहुत इंपोर्टेंट अछि राखने की बहुत बड़ो बड़ो वाला प्रॉब्लम भी हो परियो हैला अच्छा जेटा इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कला हम देखबा हम दो हिंट्स दस कह दो छी अच्छा एटा x स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर एज कंपेयर टू दिस एज कंपेयर टू दिस x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रूट ओवर जदी हम ए फार्मूला रहउची त फार्मूला कोन पुट होछ ना x बाय 2 चलियो x बाय 2 दैट मींस वेरिएबल बाय 2 x बाय 2 होल इनटू दिस पार्ट x बाय 2 होल इनटू x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर रूट ओवर त माने इज x बाय 2 होल इनटू रूट ओवर ऑफ x स्क्वायर प्लस 9 सर a स्क्वायर लिखाय छि a स्क्वायर इज 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर इज 9 ओके प्लस a स्क्वायर बाय 2 a स्क्वायर बाय 2 मींस 3 स्क्वायर बाय 2 3 स्क्वायर बाय 2 ln x प्लस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर रूट ओवर a स्क्वायर इज 3 स्क्वायर 9 होल रूट ओवर होल मोड प्लस c लिखियो ने डिफरेंट इंटीग्रेशन सेटा अपर लिमिट लोअर लिमिट दे दियो दिस इज 0 एंड 4 पुट नाउ फर्स्ट अपर लिमिट 4 योर पुट 4 बाय 2 सर 4 स्क्वायर प्लस 9 होल रूट ओवर प्लस 3 स्क्वायर इज 9 बाय 2 ln 4 प्लस 4 स्क्वायर प्लस 9 ओके एला फर्स्ट अपर लिमिट पुट कर देले टोटल दीटा टर्म रे नेक्स्ट 0 पुट कर माइनस लिख सला पर तापर लोअर लिमिट पुट कर तो 0 हो लोअर लिमिट 0 पुट लिख सला टोटल पार्टी 0 ओके टोटल पार्टी 0 माइनस मल्टीप्लाई कर लेती तेला प्लस ला माइनस है का 83 स्क्वायर बाय 2 दैट मींस 9 बाय 2 सर ln 0 प्लस 0 प्लस 9 रूट ओवर ओके प्लस c 4 बाय 2 इज 2 16 प्लस 9 25 25 रूट ओवर इज 5 ओके प्लस 9 बाय 2 ln 4 प्लस 16 प्लस 9 25 25 रूट ओवर 5 5 प्लस 4 9 दैट मींस ln 9 माइनस 0 होगा ना 0 तो लिखना लिख ले चलो एटा है 9 बाय 2 ln 0 प्लस 0 प्लस 9 रूट ओवर 9 रूट ओवर के 3 ln 3 ओके एटा प्लस c लिखियो नहीं सॉरी प्लस c लिखियो नहीं ओके
अच्छा तो ये लगते हैं ln 3 और तो नेट में 9 by 2 common नहीं पर वही जिला पार्ट हूँ 10 2 into 5 के तो ये लगते हैं 10 plus सर 9 by 2 common नहीं लगते रहेला ln 9 divided by 3 डायरेक्ट लिख दे रहे हम 9 by 2 common नहीं गली ln 9 minus ln 3 ln a minus ln b फॉर्मूला ln 9 by 3 ln a by v ओके 10 plus 9 by 2 into ln 9 by 3 9 by 3 के दीजिए 3 तो फाइनल आंसर इज 10 प्लस 9 बाय 2 ln 3 दिस इज फाइनल आंसर 10 प्लस 9 बाय 2 ln 3 इज द फाइनल आंसर ओके नेक्स्ट वीडियो में देखा नेक्स्ट वीडियो रे क्वेश्चन नंबर 6 रो वीडियो एको प्रैक्टिस कंटिन्यू करा नेक्स्ट वीडियो में बहुत शॉर्टली दोजो नेक्स्ट वीडियो इज ऑन टुमारो गुड बाय